समय इतना उजाला हो गया था। ये मैंने इस बार लिया और ये देखिए होता वही है, जितनी माता रानी हम लोगों की सेवा लेना चाहती है बस उतने ही मौका हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल। और आज है सैटरडे और अम्बावस का दिन है और इस समय टाइम हो रहा है 4:30 का, जैसा कि अंधेरा आप लोग देख सकते हैं। और कल से है नवरात्र। तो बस मॉर्निंग का सारा काम शुरू हो चुका है, जैसे डस्टिंग है, क्लीनिंग है, और आज बहुत सारे काम करने हैं। बच्चों की मीटिंग भी है, अम्बावस भी है, नवरात्र की ख़रीदारी भी करने को है, और मंदिर भी सजाना है, क्योंकि अम्बावस ये पितर पक्ष वाले जो शारदीय नवरात्र होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि अम्बावस को हमारे यहाँ कोई सामान नहीं ख़रीदा जाता है, क्योंकि पितृ का विसर्जित मतलब पितृ की विदाई हम लोग करते हैं तो उसके बाद ही ख़रीदा जाता है, पितरों की विदाई हो जाने के बाद में ही ख़रीदा जाता है। तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम ब्राह्मण को खिलाना हुआ और भी कोई काम हुआ, और आज बच्चों की मीटिंग भी है, ये सारे भी काम रहते हैं। तो बहुत सारा ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और झाड़ू वगैरह लगाई ना तब तक इतना देखिए उजाला हो गया था, 6:30 वगैरह टाइम हो गया था। फिर झाड़ू लगाने के बाद वहाँ नीचे मैंने मॉपिंग भी कर ली थी, फिर उसके बाद जब ऊपर आई ना तो मैंने ये सोचा कि लॉन्ड्री भी लगा दूँ साथ में, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर की जब तक सफाई होगी तब तक लॉन्ड्री भी एक तो बैच धुली जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने ऊपर वाले फ्लोर की भी सफाई करके नहा लिया, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी नहाना था और इस समय 6:30 हो गया था इस समय। तो बस नहा लिया, नहाने के बाद में मुझे खाना भी बनाना है ब्राह्मणों के लिए, आज भोजन निकलेगा तो और सब पितृविदाई है तो उस हिसाब से होगा काम। और यहाँ पर देखिए इस समय इतना उजाला हो गया था, सूरज मतलब निकल आए हैं, लेकिन ये बड़ी बिल्डिंग है ना इसके पीछे ही इसे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा एक बैच धुल गया था, फिर मैंने वो फैला दिया, क्योंकि उसके बाद में मुझे दूसरा बैच भी लगाना था, तो मैंने सोचा पहले से फैला दूँ निकाल के, फिर उसके बाद दूसरा बैच लगाऊं। जैसे ही कपड़े फैलाए ना फिर उसके बाद तुरंत मैं नीचे आ गई, क्योंकि किचन में भी बहुत सारा काम है। आज कचौड़ी बनेगी, खीर बनेगी, सब्जी मैं बना रही हूँ दो तरह की, क्योंकि ब्राह्मणों का खाना निकलेगा, कन्या भी हम लोग देखेंगे, खाने में अगर मिल जाएंगी तो वहीं जा रहे हैं मंदिर, वहीं पर खिला देंगे, लेकिन खाना पैक करके ले जाना है और देखते हैं क्या होता है, नहीं तो सोच रहे हैं दही जलेबी ही खिला देंगे जैसा भी होगा। और खैर खाना तो ब्राह्मणों के लिए तो बनाना ही बनाना है, तो मैं वही यहाँ पे बना रही थी और बच्चे बस एक एक करके अब उठने लगे हैं। आज इन लोगों की है मीटिंग, तो एक तरफ मैंने आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए, दूसरी तरफ मैंने खीर चढ़ा दी थी, और ये मैं कचौड़ी का आटा लगा रही थी। रात में ही मैंने दाल और मतलब दाल भिगो कर रख दी थी कि कचौड़ी बनेगी। पहले मैं उसने सोचा दही बड़े बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा बहुत लेंथी हो जाएगा तो मैंने दही बड़े नहीं बनाए, क्योंकि बच्चों की मीटिंग भी निकल आई थी। जाओ अंदर आओ, ये वाला भी गेट बंद करो। और ये वक्त है ना शाम का, एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मतलब ब्राह्मणों को मतलब खाना वाना खिलाने के लिए मैं निकली थी घर से, वहाँ पे इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था, आज अम्बावस थी और मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि जब फरकाबाद का मुझे तो आइडिया है कि कहाँ क्या रहता है, यहाँ का भी मुझे इतना आइडिया नहीं था, बहुत ज़्यादा जाम था। फिर वहाँ से आने के बाद मीटिंग बच्चे की अटेंड करी, फिर उसके बाद नवरात्रि का सामान लेने गई, इतना थक गई थी फिर मैं लेट गई। इस समय शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज चुका है, 6:30-7 का समय है। उठ के सबसे पहले ग्रीन टी पी मैंने, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने सोचा सबसे पहले फ्रिज साफ़ कर दूं, क्योंकि आज के बाद लहसुन प्याज नहीं बनेगा, ना ही कोई मतलब बासी वगैरह रखा रहेगा,
पूजा का सामान भी रखा रहता है, फूल वगैरह भी आते हैं तो वो भी रखे रहते हैं, भोग प्रसाद के लिए भी फल आते हैं वो भी रखे रहते हैं, और लहसुन प्याज का देखिए कोई सामान नहीं, क्योंकि नवरात्र हम और मतलब मैं और मेरी बेटी दोनों लोग व्रत हैं, तो इस समय कोई भी लहसुन प्याज नहीं बनेगा और बिल्कुल साधारण ही खाना बनेगा। तो फ्रिज साफ़ करना, और फ्रिज वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और क्योंकि मैट वगैरह मैंने बिछा रखी तो बस वही निकाल निकाल के धुल देती थी, अंदर से डीप क्लीनिंग बहुत मांग रही थी फ्रिज मेरी, तो वो आज बस कर दिया, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने में भी आराम से 1-1.5 घंटा लग जाता है, आप अगर डीप क्लीनिंग करने के लिए बैठ जाएँ फ्रिज की तो कहीं नहीं 1 घंटा और 1.5 घंटा गया है। और ये करने के बाद में क्योंकि डिनर बना रखा हुआ है, डिनर की मुझे कोई टेंशन नहीं है, और बस फ्रिज साफ़ करूँगी अच्छे से, किचन वगैरह सही से थोड़ा सा स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी। मेरी माता जी का देखिए इस तरीके का सिंगार हुआ है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम सिंगार किया है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा किस तरीके का हुआ है। थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ मुझे लग रही है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, फाइनली जैसा हो पाया है। तो माता रानी का श्रृंगार करने के बाद सारा मंदिर मैंने साफ़ किया, अच्छे से डीप क्लीन किया, बर्तन भगवान जी के सारे क्लीन करे, और फाइनली मंदिर का लुक निकल के ये आया। और बहुत ज़्यादा टाइम समझो लग गया था, 12:30 बज रहे थे इस समय, रात का टाइम हो गया, और बस अब इंतज़ार है माता रानी का, दरबार सज चुका है, और बहुत मतलब एक नवरात्रि की बहुत ज़्यादा उल्लास रहती है, और मैं और मेरी बेटी व्रत है, और कल परेवा है, कल तो सभी मतलब पहला दिन है माता जी नवरात्रि का, तो हम सभी लोग व्रत रहेंगे। जाते जाते आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि क्या क्या मैंने शॉपिंग करी है। ये माता रानी के कुछ वस्त्र वगैरह हैं, उनके आसन हैं, श्रृंगार का सामान है, तो ये तो रहते ही है, हर नवरात्र को हम लोग लेते ही हैं, सभी लोग लेते हैं, और कुछ स्पेशल मैंने इस बार लिया है। बहुत दिनों से मेरा मन था कि एक भोजन सेट माता रानी के लिए लें, तो ये मैंने इस बार लिया, और ये देखिए पीतल का पूरा लिया। वैसे मैं जो भोग लगाती थी तो स्टील के बर्तनों में लगाती थी, तो अब की बहुत मेरा मन था कि पीतल का लें, तो इस बार मैंने पीतल का लिया, और ये मेरी इस बार की स्पेशल खरीदारी रही नवरात्र की। और इसमें अष्टमी को मैं भोग लगाऊंगी माता का, तो जैसे 3 कटोरियां मैंने ली हैं, और 3 कटोरियां और कटोरियों का साइज और उनका डिजाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, ये देखिए बहुत प्यारा लगा, और ये सब मैंने लोकल मार्केट से लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, और बहुत ही रिजनेबल और बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया है। लगभग ये पूरा सेट मुझे 1000 का मिल गया है, और बहुत दिन से इच्छा थी इस तरीके का सेट लेने के लिए। पहले तो मैं भोजन थाल देख रही थी पीतल का, लेकिन पीतल का भोजन थाल मुझे कहीं मिला नहीं, फाइनली फिर हम लोगों ने ये ले लिया। तो सारी तैयारी हम लोगों की हो गई है, बस दरबार भी सज चुका है, जितना मतलब जैसा भी हम लोग सजा पाए हैं, और देखो करने का तो बहुत कुछ मन होता है, और बहुत कुछ सोचते हैं करने के लिए, लेकिन होता वही है, जितनी माता रानी हम लोगों से सेवा लेना चाहती हैं बस उतने ही मौका हम लोगों को देती हैं। तो सो फ्रेंड्स, यही मेरी छोटी सी खरीदारी रही, और कल के दिन की सारी तैयारी हो चुकी है, फिर मिलूंगी कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।